जो तफ्तीश है, जो बाकी लॉ एंड ऑर्डर इशूज़ हैं उसके बारे में डिटेल्ड में डायरेक्शंस दिए हैं तफ्तीश को और तेज करने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी इन सब चीज़ों पे तुरंत में कुछ प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। जो चीज़ें हमारे पास आई हैं उसको हम भली प्रकार से जांच करेंगे, उसके तह तक जाएंगे और उसके बाद जो जो इसमें कसूरवार हैं लोग, जो इसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। क्या सीएम खट्टर से संभाला नहीं जा रहा है कानून व्यवस्था? क्या बुलडोजर से ही आप अपराधी को कम कर सकते हैं? या बुलडोजर की आर में, या बुलडोजर के नाम पर, या पत्थरबाजों के नाम पर आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति कब तक करते रहेंगे? ये सवाल दरअसल मेरे नहीं, उन लोगों के हैं जिनके घर पर बुलडोजर चल रहा है, उन लोगों के हैं जो बेकसूर हैं, जो दरअसल कसूरवार हैं, जो गुनहगार हैं। उस तक तो सीएम खट्टर साहब के कानून व्यवस्था पहुँच ही नहीं पा रही है। इसलिए दर्शकों, जो बुलडोजर चल रहा है हरियाणा के नू में जहाँ हिंसा हुई, देखिए वहाँ से डीजीपी साहब क्या कर रहे हैं, जरा गौर से सुनिए, देखिए तस्वीरें। कह चुका हूँ इसके बारे में, कल भी काफ़ी डिटेल में था और एक दिन प्रेस में भी कहा है मैंने। मैंने यहाँ अभी स्थिति की समीक्षा की है, जो केसेस दर्ज हैं, जो तफ्तीश है, जो बाकी लॉ एंड ऑर्डर इशूज़ हैं उसके बारे में डिटेल्ड में डायरेक्शंस दिए हैं तफ्तीश को और तेज करने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और क्योंकि कुछ चीजें सोशल मीडिया पर है वो आपसे क्लियर जरूर करना चाहिए, पाकिस्तानी कनेक्शन तमाम चीजें। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी इन सब चीजों पे तुरंत में कुछ प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। जो चीजें हमारे पास आई हैं उसको हम भली प्रकार से जांच करेंगे, उसके तह तक जाएंगे और उसके बाद जो जो इसमें कसूरवार हैं लोग, जो इसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ऑफिशियल आंकड़ा अभी जो है, जो यहाँ पे केसेस दर्ज हैं वो आपने अभी लेटेस्ट फिगर नहीं, वो तो पूरे स्टेट का है, ये यहाँ का पूछ रहे हैं। 145 अरेस्ट हैं और 55 केसेस। देखा आपने, उसके साफ शब्दों में वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि नू हिंसा जो हरियाणा का अपडेट है उसमें डीजीपी साहब कह रहे हैं कि किसी को हम नहीं छोड़ेंगे। यही आपका खुफिया तंत्र इतना स्ट्रांग है, या आप लोग इतना एक्टिव थे तो फिर कैसे हो गया हिंसा? फिर आप तैयार कैसे नहीं थे? आपकी मौजूदगी में बजरंग दल वाले सब गोली चला रहे हैं, फिर उसको क्यों नहीं बुलडोजर उस पर चला रहे हैं? सवाल तो देखिए लाजमी है, लेकिन जवाब का हम जानते हैं कि पता नहीं है। अब वो इसलिए क्योंकि चुनाव है। नू में 145 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं ये कहा जा रहा है, 55 केस दर्ज हुए हैं। डीजीपी पीके अग्रवाल ने अफवाह फैलाने पर भी कार्रवाई करने की मांग की, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अफवाह सबसे खतरनाक है। और ये बुलडोजर पर अब जो है दरअसल तबाही मचा है, हंगामा मचा है। अब देखते हैं कि आखिर इस पर अब क्या कुछ होता है और देखते हैं सीएम साहब क्या कुछ कहते हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज़। नमस्कार।